हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू 25 वीक ऑफ एमसी न्यूज। तो इस हफ्ते कई सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स आए हैं, बैटमैन की शूटिंग को लेकर और सेक्स एजुकेशन के सीजन 3 को लेकर। तो सभी अपडेट्स जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट है बैटमैन के कॉन्सेप्ट आर्ट्स बैटमैन की ही एक न्यू गेम से, जिसे डीसी की तरफ से कैंसिल कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, आप इन्हें पॉज करके देख लेना। वही नेक्स्ट है एक टॉय बॉक्स, जिसके बैक पर सलमा हयात का फर्स्ट लुक देखने को मिला फिल्म इटर्नल से। जिन्हें नहीं पता, वो फिल्म में अजा का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। एंटरटेनमेंट वीकली ने न्यू कवर्स को रिलीज किया द मैंडलोरियन सीजन 2 के। वहीं कुछ फर्स्ट लुक इमेजेस को भी शेयर किया। तो फ्रेंड्स, आप इन्हें पॉज करके देख लेना। नेटफ्लिक्स की अपकमिंग एनिमेटेड सीरीज जुरासिक वर्ल्ड कैम क्रिटेजियस का फर्स्ट पोस्टर और ट्रेलर को रिलीज कर दिया गया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। डायरेक्टर क्रिस्टोफर मर्क्यूरी ने एक इमेज शेयर की है फैंस के साथ मिशन इम्पॉसिबल 7 के सेट से फर्स्ट डे की। नेक्स्ट भी मिशन इम्पॉसिबल 7 के सेट से ही कुछ इमेजेस हैं, जिनमें हम एक्टर टॉम क्रूज को एक न्यू स्टंट परफॉर्म करते हुए देख सकते हैं। द हिटमैन वाइस बॉडीगार्ड के सेट से एक न्यू इमेज सामने आई है एक्टर सैमुअल जैक्सन और सलमा हयात की, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस वीक फिल्म ब्लैक विडो की भी कुछ न्यू इमेजेस देखने को मिली। तो फ्रेंड्स, आप इन्हें पॉज करके देख लेना। नेक्स्ट अपडेट प्रोडक्शन को लेकर है। शज़ाम फ्यूरी ऑफ गॉड्स के प्रोडक्शन को नेक्स्ट ईयर की शुरुआत में ही स्टार्ट कर दिया जाएगा। वहीं स्पाइडरमैन 3 के प्रोडक्शन को भी नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में ही शुरू कर दिया जाएगा। मिस मार्वल के शो से भी कुछ अपडेट्स आए हैं, जैसे ये कंफर्म कर दिया गया है कि इसका हर एक एपिसोड करीब 1 घंटे का होगा। वहीं शो के लिए डायरेक्टर्स को भी फाइनल कर लिया गया है, जो है आदिल और बिलाल, जिन्होंने बैड बॉयज फॉर लाइफ को भी डायरेक्ट किया है। वहीं रूमर्स हैं कि सोनी पिक्चर्स के अंदर काम चल रहा है सिल्क की सीरीज पर। पहले रूमर्स थे कि सिल्क के कैरेक्टर के ऊपर हमें एक मूवी देखने को मिलेगी, पर अब रूमर्स हैं कि इसकी सीरीज पर काम चल रहा है। नेक्स्ट अपडेट नेटफ्लिक्स के शो सेक्स एजुकेशन सीजन 3 को लेकर है। सीजन 3 के प्रोडक्शन को स्टार्ट कर दिया गया है, इसे नेटफ्लिक्स और शो की कास्ट ने खुद कंफर्म किया। हाल ही में ही वंडर वुमन 1984 की रिलीज डेट को एक बार फिर डिले कर दिया गया है। अब ये फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज होगी। वहीं रूमर्स हैं कि फिल्म डून की रिलीज डेट को भी डिले किया जा सकता है, पर अभी तक इसे ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया है। नेक्स्ट एक बैड न्यूज़ है। हाल ही में ही एक्टर रॉबर्ट पैटिंसन ने कोरोना टेस्ट कराया था, जो पॉजिटिव आया है। एक्टर रॉबर्ट पैटिंसन कोरोना पॉजिटिव हैं, पर फिलहाल बैटमैन की शूटिंग चल रही है। शूटिंग को उनके बिना ही कंटिन्यू किया गया है। वहीं दी बैटमैन की एक न्यू प्रमोशनल इमेज को रिलीज किया गया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अब आ जाते हैं इस वीक के लास्ट अपडेट पर। तो फ्रेंड्स, हाल ही में ही रूमर्स थे कि थॉर लव एंड थंडर क्रिस हेम्सवर्थ की आखिरी फिल्म होगी एमसीयू में, जिसमें वो थॉर का कैरेक्टर प्ले करेंगे। पर अब हाल ही में ही एक्टर क्रिस हेम्सवर्थ ने एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में ये कंफर्म कर दिया कि थॉर लव एंड थंडर उनकी आखिरी फिल्म नहीं होगी एमसीयू में, वो थॉर के कैरेक्टर को आगे भी प्ले करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे इस वीक के सभी अपडेट्स। कौन सा अपडेट आपको ज़्यादा पसंद आया मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही मूवीज़ अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक बेल आइकन आएगा उसको भी दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।